ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईपीएफओ से रिलेटेड सारे वीडियो जो है उसकी लिंक दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सारे के सारे वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे हमेशा। ईपीएफओ का एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आप चाहे तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो ईपीएफओ की पीडीएफ होंगी वो पेड ग्रुप वालों को ही मिलेंगी। क्रैश कोर्स में पीडीएफ भी मिलेगी, कंप्लीट गाइडेंस भी मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060689 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी यूपीएससी के और प्लस ईपीएफओ के पेड कोर्सेज हमारे चलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करके रखिएगा। देखिए अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूट्यूब में जुड़े हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम वाला चैनल और प्लस इंस्टाग्राम वाला पेज, ये इंस्टाग्राम के पेज की लिंक है studyforcivil.services है ये, ठीक है। इसमें हम लगातार यहाँ पे ये जो होता है इस पर आप टाइप करेंगे तो स्टोरी के फॉर्म में करंट अफेयर देते रहते हैं, प्लस और बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस की करंट अफेयर की पिक देते रहते हैं। इसके बाद ये हाईलाइट जो है इनको जरूर फॉलो करते रहिए, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, प्लस और भी कई सारी पोस्ट वोस्ट होती रहती है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन जो है पिक वाला अपडेट सब हम यहीं पे देते हैं। ये हमारे दोनों कॉलिंग नंबर है, आप इस पे कॉल करके अगर चाहे तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, सब यहीं पे मिलेगा आपको फ्री। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 7838692। ये क्विज वाला ग्रुप है भैया, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें डेली क्विज कराते हैं हम आपके लिए, ठीक है। टॉप 50 की क्विज होती है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, और मैं एस के त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो ईपीएफओ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, उसमें फुल लेंथ जो टेस्ट नंबर 4 है उसको यहां पर डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले जो पार्ट ए है उसको देखेंगे, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड है वो आपका, और पहला क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, है ना, जो भी आपका सेंटेंस दिया गया है उसमें। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती, वहां पर सब कुछ करेक्ट है, तो वहां पर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड को हमको पिक करना है। तो यहां पर जो लिखा हुआ सेंटेंस, द डिटेक्टिव्स सर्च द हाउस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बट फाइंड एनी साइन ऑफ द स्टोलन गुड्स, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होना चाहिए, बट फाउंड नो साइन, ठीक है ना, ठीक है। ये जो होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी हमको जो एक सेंटेंस दिया गया है इसमें ग्रामेटिकल एरर जो भी होगा वो हमको यहां पर पिक करना है, हमको बताना है कि कहां पर जो है ग्रामेटिकल एरर है। तो when they started they had great ideas but lacked the business, no JPW, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें हमको ग्रामेटिकल एरर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपका बट लैक लिखा गया है वहां पर, ठीक है ना, बट लैक जो है वो ये यहां पर समस्या है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। इसमें भी ग्रामेटिकल एरर बताना है जो ऑप्शन दिए गए उसमें से। तो इट्स अ गुड आइडिया टू रीड अप ऑन अ कंपनी बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है। तो इट्स अ गुड आइडिया टू, है ना, ये जो ये सेंटेंस है आपका, यहीं पर जो है आपका क्या है, ग्रामेटिकल एरर है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें एंटोनिम बताना है हमको डेलिकेट का, ठीक है। तो डेलिकेट का जो एंटोनिम होगा वो आपका फर्म होगा, ठीक है ना, फर्म होगा। तो आंसर इसका क्या हो गया, डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें हमको क्या करना है, अंडरलाइन जो सेगमेंट है वहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूशन की अगर आवश्यकता नहीं है वहां पर, आवश्यकता नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड को वहां पर हमको क्या करना है, पिक करना है। तो यहां पर लिखा गया है, सुरेश थॉट ऑफ अ स्प्लेंडेड आइडिया टू सेलिब्रेट हिज पेरेंट्स एनिवर्सरी, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपका नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड फील होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमको सिनोनिम के बारे में बताना है, इम्पोलाइट का सिनोनिम हमको बताना है। तो इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं होगा, ब्रेव बिल्कुल नहीं होगा, रूड होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको आइडम जो दिया गया है इसका मीनिंग हमको यहां पर पिक करना है, ऑल एंड सन्ड्री लिखा गया है ना, सनड्राई लिखा गया है, ऑल एंड सनड्राई जो लिखा गया है इसका आपको क्या मीनिंग समझ में आ रहा है आपको, इसका जो है ऑल इंक्लूडेड है, ठीक है ना, ऑल इंक्लूडेड होगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सिनोनिम बताना है हमको रिमेंबर का, ठीक है। तो रिमेंबर से रिकॉल ए में दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना, पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है, रिकॉल होगा इसका, रिमेंबर का रिकॉल करना। और सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो सप्लीमेंट्री की यहां पर स्पेलिंग दी गई है, ठीक है ना, और इसकी जो स्पेलिंग है वो आपकी SUPPLE, है ना, मेंट्री है आपका MENTARY,
ठीक है, तो सी में दिया गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमको बताना है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है आपका। लुब्रिकेंट की ये स्पेलिंग इसमें बताई गई है, और देखिए यहां पर एल यू बी आर आई सी ए एन टी बी में दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला एरिया है, यहां पर हमको ऑप्शंस में से पिक करके वहां पर वहां क्या करना है, फिल करना है वर्ड को ताकि मीनिंगफुल बने हमारा सेंटेंस। तो ओइंग टू ऑल द रिसेंट नेगेटिव टर्न ऑफ इवेंट्स इन हर लाइफ शी स्ट्रांगली फेल्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, फोर्सेस मस्ट बी एट वर्क। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि एविल स्ट्रांगली फेल्ट एविल फोर्सेस मस्ट बी एट वर्क, ठीक है ना, तो बी हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें हमको बताना है कि कहां पर ग्रामेटिकल एरर है। तो फॉर मोस्ट सिटीजंस टुडे लिबर्टी मीन द फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जो लिबर्टी मीन द फ्रीडम टू, ये जो वर्ड है आपका, यहीं पर जो है आपका क्या है, ये सेगमेंट जो है आपका, यहां पर ग्रामेटिकल एरर है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन में हमको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में, और मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस करना है इसको, है ना, ग्रामेटिकली इसको करेक्ट करना है, करेक्शन करना है। द ड्राइवर ऑफ द कार प्रोबेबली होल्ड्स द की टू, फिल इन द ब्लैंक्स, द क्राइम, ठीक है। तो यहां पर सॉल्विंग द क्राइम, बिल्कुल ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा जो ए में दिया गया है, सॉल्विंग होगा यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें एंटोनम बताना है हमको एडामेंट का बताना है यहां पर, और एडामेंट का जो आपका एंटोनम होगा वो फ्लेक्सिबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो आइडम दिया गया है इसकी मीनिंग बताना है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपका रिसेंबलिंग पेरेंट्स, है ना, रिसेंबलिंग पेरेंट्स, बिल्कुल ठीक बात है, यही इसका आंसर हो जाएगा जो ए में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर फिर से फिल इन द ब्लैंक जो है वहां पर हमको एप्रोप्रिएट ऑप्शन को पिक करके यहां पर फिल करना है ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बने हमारा। तो हिज ओल्ड कार फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द हाईवे, ठीक है। तो ब्रोक डाउन, ब्रोकअप नहीं होगा, ब्रोक आउट नहीं होगा, ब्रोक इन नहीं होगा, ब्रोक डाउन होगा, ठीक है ना, तो ब्रोक डाउन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें भी हमको जो अंडरलाइंड सेगमेंट है, जो सेंटेंस में दिया गया है, वहां पर हमको क्या है, अगर किसी तरीके की अगर वहां पर रिक्वायरमेंट है सब्सटीट्यूशन की, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से पिक करना है, और नहीं है तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड को वहां पर पिक करना है ना। तो यहां पर जो दिया गया, फॉर द पास्ट 6 months शी इज सर्चिंग फॉर अ जॉब, ठीक है। तो शी हैज बीन सर्चिंग होगा, इज नहीं होगा, हैज बीन सर्चिंग होगा, तो इसका जो आपका क्या हो जाएगा, जो डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सेलेक्ट करना है वर्ड को, है ना, विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक यूजुअली स्टेटिंग इट्स पर्पस, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो बिब्लियोग्राफी नहीं होगा, प्रीफेस, बिल्कुल ठीक बात है, यही इसका आंसर हो जाएगा, बी जो दिया गया है, प्रीफेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी हमको वर्ड को पिक करना है यहां पर, विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो कंटेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल अ पॉइंट ऑफ ऑनर, ठीक है। तो ड्यूएल, है ना, डी यू ई एल, ड्यूएल, ठीक है ना, ड्यूएल बोला जाता है इसको, ड्यूएल। तो इसका आंसर आपका ड्यूएल हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें भी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है और ग्रामेटिकली करेक्ट करना है सेंटेंस को। तो यू आर श्योर टू फिल इन द ब्लैंक्स इफ यू डोंट की टू द पाथ, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि गेट लूज नहीं होगा, गॉट लॉस्ट नहीं होगा, गेट लॉस्ट होगा, ठीक है ना, तो सी हो जाएगा इसका आंसर यहां पर, गेट लॉस्ट जो लिखा गया है। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें एम आई सी आर लिखा गया है, इसमें सी जो है उसकी क्या मीनिंग है, सी स्टैंड्स फॉर बताना है हमको, ठीक है ना। तो सी जो है यहां पर कैरेक्टर से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, कैरेक्टर से रिलेटेड होता है, और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें रैम जो है पूछा जा रहा है कहां पर लोकेटेड होती है आपकी, ठीक है, तो मदरबोर्ड में होती है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो उसमें क्या क्या होता है, मतलब वो क्या क्या पार्ट जो है वो कंसिस्ट करता है, सीपीयू है और मेन मेमोरी, ठीक है, यहां पर जो पहला लिखा गया है। तो आप यहां पर देखेंगे कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है यहां पर, ALU जो होता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सी में दिया गया है ये, कंट्रोल यूनिट एंड ALU,
ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इज एन एग्जाम्पल ऑफ आ, है ना, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कि क्लोज सॉफ्ट, मतलब क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन का मतलब यह है कि हर कोई उसको एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर है ये आपका, किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर है। क्या है? हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस की बात करते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो फिर वहां पर बूटिंग कैसे होगी, है ना, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 25 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट्स इन, किस मोड पे बाय डिफॉल्ट कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो वो प्रिंट होता है, ठीक है ना, तो ये आपका पोर्ट्रेट में होता है। किस में होता है? पोर्ट्रेट में होता है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट में ही होता है, लैंडस्केप में नहीं होता, पोर्ट्रेट में होता है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि इफ इन द गिवन अरेंजमेंट द थ्री रजिस्टर्स आर टू बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल रजिस्टर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर, है ना, ये जो है आपका, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो 9 ओम होगा। क्या होगा? 9 ओम हो जाएगा यहां पर जो दिया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसे पूछा जा रहा है कि व्हेन अ करंट आई फ्लोस थ्रू अ रेजिस्टेंस वी इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस फ्रेम किए गए। व्हेन अ करंट आई फ्लोस थ्रू अ रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम टी द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पेंट इज गिवन बाय, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर टी होता है। ये कहां दिया आपका? बी में दिया गया है और इसका बी ही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे पूछा जा रहा है कि कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, विभवांतर जिसको बोलते हैं, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस है सर्किट का वो हाफ है, तो करंट जो होगा वो कितना होगा, है ना, करंट जो होगा उसमें कितना होगा, तो वो डबल हो जाएगा आपका, ठीक है, डबल हो जाएगा और इसका आंसर आपका डी में दिया गया है जो कि डबल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन में जो है पूछा जा रहा है व्हाट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, वन एटॉमिक मास मास जो यूनिट होता है उसकी जो एनर्जी है वो कितनी होती है, किसके इक्विवेलेंट होती है, है ना, तो आपको ये तो मतलब बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, 0.931 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखा जाता है, मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है यहां पर, तो ये जो आपका आंसर होगा वो डी हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूछा जा रहा है, तो ये आपके 1.6 × 10⁻¹⁹ है ना, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और इसे पूछा जा रहा है व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो, ठीक है ना, घास है, हिरण है, बाघ है ना, देखिए कोई ये हम बोलते हैं कि किसी भी चीज की अगर कमी हो जाती है हमारे फूड चेन में, जैसे आप देखते हैं ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है ना, है ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो बोलते हैं आप, फिर उनको जो है प्राइमरी कंज्यूमर जो शाकाहारी होते हैं आपके, है ना, कंज्यूमर्स में, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी मतलब जो उनको खाते हैं, है ना, मांसाहारी हो गए, फिर सर्वाहारी हो गए, प्रीडेटर्स जो हैं जैसे शेर है, चीता है, तो ये आपके सबसे अपर पार्ट में होते हैं ना, एक दूसरी होती है जो डेट्रीवोरस, तो उसमें डेट्रीवोरस से स्टार्ट होता है ना, तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा फूड चेन में, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर यहां पर डियर मिसिंग हो जाएगा तो पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेस, बिल्कुल ठीक बात है कि भैया वो तो शाकाहारी घास खा रहा है, ऑटोट्रॉप्स को वो उस पर डिपेंडेंट है, तो अगर वो उसको नहीं खाएगा तो वो क्या है, उसकी संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन अगर शेर को उसका शिकार नहीं मिलेगा तो उनकी संख्या डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर आपका डी में जो दिया गया, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम भी किए जाते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे पूछा जा रहा है कि इफ 100 जूल एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल इन अ फूड चेन देन द एनर्जी अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर विल बी, तो ये आपको पता है कि लिंडमैन का एक रूल है जिसको 10% रूल भी बोला जाता है, कि जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर बढ़ते जाते हैं तो ये फिर 10% होता जाता है ना, कि 100 है तो वहां 10 है तो फिर वो 0.1 इस तरीके से कम होता जाता है। 100 है तो आपको पता है कि नेक्स्ट जो आपका मतलब जो भी आपका फूड चेन का जो आपका लेवल है
है ना, उसमें क्या हो जाएगा आपका 10% रूल लग जाएगा और इसका फिर 1 जूल हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, 100 जूल एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर लेवल ऑटोट्रॉप समझ लीजिए इसको, इन अ फूड चेन, देन द एनर्जी अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे हैं ये, सेकेंडरी कंज्यूमर की, इसलिए 100 से 10 और 10 से फिर 1 हो गया, इसलिए 1 जूल इसका आंसर होगा, है ना। 10% भी लगा के ध्यान देना है कि वर्ड क्या पूछ रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, मांसाहारी की, ठीक है ना। तो ये आपका 1 जूल हो जाएगा इसका आंसर, जो कि सी में दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे पूछा जा रहा है, डीडीटी के लिए जो आपका फुल फॉर्म है डीडीटी का वो क्या होता है, है ना। ये आपका देखिए इसके ऊपर 2001-2 में आप देखेंगे तो मतलब समिट वगैरह भी हुई है, कन्वेंशन भी है आपका, ठीक है ना। तो ये सब आप लोगों ने देखा, स्टॉकहोम कन्वेंशन वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसके कारण काफी ज्यादा न्यूज में भी था, इसको बैन भी किया गया है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म है आपका डाई क्लोरो डाई फिनाइल, है ना, जो है आपका ट्राई क्लोरो एथेन है ना, ट्राई क्लोरो एथेन है। तो ये आपका ये हो जाएगा, इसका ए में दिया गया है आंसर, और इसका आंसर आपका ए ही होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे बताना है कि अमंग द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन विच कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, बायोडिग्रेडेबल जो जो है जिनका अजैव अपचय हो जाता है, जैसे प्लास्टिक वेस्टिक जो है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो जो है इसलिए तो बोलते हैं कि फिर वो वेस्ट जो है वो कैसा होता है, वो साइक्लिक ऑर्डर में इसी एनवायरमेंट में घूमता रहता है वो, ठीक है ना। तो जैसे वुड है, पेपर है, यहाँ पीवीसी लिखा हुआ है जो आपका फर्स्ट में दिया गया है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं आपका, पीवीसी दे दिया यहाँ पर, और उसके बाद पेपर सीड्स डोमेस्टिक वेस्टेज ये ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है, पेपर एनिमल एक्सक्रेटा वुड ये भी ठीक है, वूल लीव्स एंड पेपर। तो सेकंड थर्ड और जो आपका फोर्थ दिया गया है ये आपका बायोडिग्रेडेबल है, और इसका आंसर आपका सेकंड थ्री फोर्थ जो दिया गया है सी में वो हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश की अगर कोई किरण है एक समानांतर कांच के स्लैब की सीध में बिल्कुल लीनियर बोल रहे हैं, तो एक दिशा में आगे बढ़ रही है, तो प्रकाश की किरण अरे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर लिखा है, देखिए परपेंडिकुलर लिखा है, है ना, टू द बाउंड्री ऑफ अ पैरेलल ग्लास स्लैब द रे ऑफ लाइट, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस लाइट में, तो देखिए डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, इसका अपवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा उसमें, डज नॉट गेट रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्टेड, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वॉटर, ठीक है ना, ठीक है, तो इसमें आयोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डिल्यूजन, है ना, डाइल्यूशन भी बोलते हैं इसको, और सॉल्ट इंफॉर्मेशन, तो इसमें हमको बताना है कि क्या क्या होता है। तो देखिए आयोनाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन होगा, ये डाइल्यूशन और सॉल्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तो 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर, जो आपका ए में दिया गया है ना, 1 और 3 होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखने की जरूरत है, देखिए एक आयोनाइजेशन दिया है, दूसरा न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण जिसको बोलते हैं, एक तनुकरण है जो डाइल्यूशन दिया है, और एक सॉल्ट फॉर्मेशन, तो सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होगा आपका, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, तो डाइल्यूशन और आयोनाइजेशन होगा। इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका 1 और 3 हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। जल्दीबाजी में अगर कोई चीज गलत बोल दी जाए आप कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर किसी तरीके का ब्रेक वगैरह का कोई भी संभावना नहीं रहती है, ब्रेक वगैरह नहीं लिया जाता, कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड किया जाता है वीडियो। तो यहां पर जो है जब पानी में थोड़ी मात्रा में अम्ल डाला जाता है तो आयनीकरण और तनुकरण जो है 1 और 3, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन में पी इज इक्वल टू 22 + 62 + 102 + 142 942 एंड क्यू इज इक्वल टू 12 + 52 + 92 + जो डैश डैश उसके बाद 812, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी माइनस क्यू, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी माइनस क्यू, ठीक है ना। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका हो जाएगा 26075 आएगा, इसका आंसर आपका बी है, इसका आंसर आपका बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक परीक्षा में मैथ्स में अगर 34% लोग क्या हो गए, फेल हो गए, 42% जो है वो इंग्लिश में फेल हो गए, है ना, अब 20% जो है आपके लोग दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या है, कॉमन है ना, मतलब ये 34 और जो 42 आप देख रहे हैं इनको जो दोनों इसमें जो है इंटरसेक्शन वाला पार्ट, जब आप पाई चार्ट बनाएंगे ऐसे बना लेंगे 34 को, ऐसे बना लेंगे
42 को, और ये जो पार्ट है ये आपका 20 हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप पाई चार्ट बना के इसको सॉल्व करते होंगे। देखिए रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन में इसीलिए एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने अपने तरीके से पढ़ा होगा, सबका अपना तरीका होता है, इसमें टाइम कंस्टेंट होता है, क्वेश्चन कभी इतने टफ नहीं आते कि वो किसी से बने नहीं। मैक्सिमम हर एक सीरियस स्टूडेंट से वो क्वेश्चन बनते हैं, और नहीं भी अगर होता है तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, है ना, ठीक है। तो इसमें आप इस तरीके से निकालेंगे तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा, 240 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पूछा जा रहा है तो वो बताया जा रहा है, 240 होगा यहां पर जो आपका परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स वाज 240 है इसका आंसर, 39 का बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने बोरो किया कुछ पैसा 5 ईयर्स के लिए, इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड टोटल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल और टोटल इंटरेस्ट 5:2, देन द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ वन ईयर, ये 5 साल का है, अब 1 ईयर का हमको बताना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका 25/2 हो जाएगा, कितना 25/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तो इसका आंसर आपका डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन में जो है पूछा जा रहा है विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सिक्वेंशियली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट, ठीक है। तो ए फिर फिल इन द ब्लैंक है सी ए ए बी, फिर फिल इन द ब्लैंक है ए, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है बी सी ए ए बी, फिर फिल इन द ब्लैंक है फिर ए है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हमको देखिए आपको सीधे सीधे ऑर्डर दिखाई दे रहा है, उसी ऑर्डर में हमको इसको अरेंज करना है। तो आप देखिए बी सी ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए के बाद बी सी ए सी जो कि ए में दिया गया है, इसका आंसर आपका ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहां पर जो है राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है। तो अनसर्टेन, अंडर, अंडरस्टैंड, ठीक है, अनएथिकल, अनइम्पॉर्टेंट एंड अननेसेसरी, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए सबसे पहले अनसर्टेन देखिए कहां दिया गया है, बी में दिया गया है 1, यही होगा इसका अनसर्टेन, देन आपका अंडरस्टैंड, देन आपका अनएथिकल, देन आपका अनइम्पॉर्टेंट, देन आपका अननेसेसरी, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल ऑर्डर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 ईयर्स एगो अभिमन्यूज मदर वॉज 3 टाइम्स ओल्डर देन अभिमन्यु, है ना। After 5 years, she will be twice as old as Abhimanyu. How old is Abhimanyu today? तो देखिए दो एक तरीके से एक्सप्रेशन दे दिए, ठीक है ना। अगर एक्स वाई कुछ भी मान के आप वहां पर करते हैं तो उनको कंपेयर करके आप निकालेंगे, नॉर्मली निकल जाता है। तो इसका आंसर आपका 15 ईयर्स हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर बताना है पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, है ना, एक फोटोग्राफ है, वहां एक व्यक्ति जो है वो पॉइंट आउट करके बता रहा है। इसको बिल्कुल डायग्राम बना के करिए आप लोग, ये जो ब्लड रिलेशन वाले या रिलेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं। तो एक वुमेन है, अब वो एक फोटो की तरफ इशारा करके बोलती है कि हिज ब्रदर्स फादर, मतलब इनके ब्रदर के फादर, His brother's father is the only son of my grandfather. ठीक है, अब तो आप देखें ना सीधा कि उनके भाई के पिता वो only son है किसके, मेरे grandfather के, मेरे दादाजी के, तो भैया भाई बहन हो गए। How is the woman related to the man in the photograph? Photograph, तो वो जिनकी तरफ दिखा रही वो उनके फादर नहीं हो जाएंगे, और ये जो है आपके, ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये आपकी सिस्टर उनकी हो गई जिनकी तरफ वो आपका इशारा कर रहे हैं, भाई बहन, ठीक है ना, अपने पिताजी के बारे में बता रहे। तो आंसर आपका डी, सिस्टर हो जाएगा। डायग्राम बना के इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसे पूछा गया है इन द गिवन क्वेश्चंस टू स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजंस नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, अज्यूमिंग द सेंटेंस टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम्स टू बी एट वेरियंस विद कॉमनली नोन फैक्ट्स, यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया गया है ऑल प्लांट्स आर नॉट फ्रूट्स, ठीक है, फिर ये वैसा ही वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन कि ऑल प्लांट्स आर नॉट फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर फ्लावर्स, ठीक है, ऑल फ्रूट्स आर फ्लावर्स, कंक्लूजन नो प्लांट इज अ फ्रूट एंड ऑल फ्रूट्स बींग फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑनली कंक्लूजन जो वन है वो आपका फॉलो करेगा यहां पर, दूसरा वाला नहीं करेगा। नो प्लांट इज अ फ्रूट, बिल्कुल सिंपल बात है, ऑल प्लांट्स आर नॉट फ्रूट्स, तो कंक्लूजन नो प्लांट इज अ फ्रूट। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑनली कंक्लूजन जो वन है वो फॉलो कर रहा है इसको, तो 45 का ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे पूछा जा रहा है इफ द 23rd ऑफ अ मंथ इज अ संडे, व्हाट डे इट वुड हैव बीन 2 वीक्स एंड 4 मोर डेज अर्लियर देन द गिवन डेट, ठीक है ना, रीजनिंग है बिल्कुल। तो ये इसका आंसर आपका वेडनेसडे होगा, निकाल लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। तो यहां पर ए वेडनेसडे होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 354 पर जो एंगल बता रहे हैं, है ना, क्लॉक में बिटवीन मिनट एंड आवर
कितना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड आर, जो आपका क्लॉक में क्या बज रहा है आपका 354, तो उस समय पूछ रहे हैं कि भैया क्या एंगल होगा आपका, ठीक है ना। तो 354 आप अपनी क्लॉक में एज्यूम भी कर सकते हैं, नॉर्मली सेंस ऑफ ह्यूमर से भी लगा सकते हैं आप, है ना। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल लॉजिक से, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो इसका आंसर हो जाएगा आपका 143, है ना, 143 डिग्री होगा इसका आंसर, जो कि बी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइव फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच, अभिषेक इज द लेफ्ट ऑफ भानु। अब ये क्वेश्चन जो है आप बिठा दीजिए जैसे भी बिठा रहे हैं बेंच में, तो अभिषेक इज द लेफ्ट ऑफ भानु, तो भानु को बिठा दीजिए, भानु के लेफ्ट में उनको बिठा दीजिए अभिषेक को, है ना। राइट में जो है चेतना को बिठा दीजिए आप यहां पर, इसके बाद वहां पर देवकी जी को बिठा दीजिए आप, इस टू द राइट ऑफ भानु, है ना, यहां पर जगह थोड़ा सा दूर दूर कर लीजिएगा। बट ऑन द लेफ्ट ऑफ एकता हु इज इन द मिडिल ऑफ द बेंच, ठीक है ना। तो ये जब आप सब पुट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल डायरेक्टली, और यहां पर जो इसका आंसर होगा वो भानु हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर पूछा जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस शिवाय जो है आपके वॉक 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब डायरेक्शन आपको पता है कि भैया नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, है ना। अब ये बोल रहे हैं नॉर्थ वेस्ट, तो ये डायरेक्शन हो गया, है ना। देन ही वॉक्ड 30 मीटर इन द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। देन ही वॉक्ड 30 मीटर इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट। नाउ ही इज हाउ मच डिस्टेंस अवे फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। तो ये आपका जो है आपका कितना आ जाएगा 30 मीटर इसका आंसर, जो कि डी में दिया गया है। कहां दिया गया है आपका इसका आंसर, आपका डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर बताना है इफ सम्राट इज रिटन 88975 इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, हाउ विड विंडो बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये जो है डिनोट करते हैं नंबर्स और लेटर्स जो है उनमें रिलेशन निकाल के किया जाता है, और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 945443 हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है अ मैन हैज सम हेंस एंड सम काउस, इफ द नंबर ऑफ हेड्स नंबर ऑफ फीट इज इक्वल टू, रेशियो दिया है 12:35, फाइंड आउट द नंबर ऑफ हेंस जो है आपके, है ना, हेंस जो है इफ द नंबर ऑफ हेड्स अलोन इज 96, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका रेशो दे दिया है, यहां पर आप रिलेशंस बिठा लेंगे, है ना, और वहां से आप आंसर को निकाल लेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 52 होगा, 52 होगा, जो कि आपके सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बताना है कि कौन सी जो संख्या वो सबसे छोटी है, ठीक है ना, लीस्ट वैल्यूड नंबर को बताना है। 6√3 प्लस 3√5 प्लस 4√6 प्लस 12√144 जो दिया गया है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 4√6 हो जाएगा, ठीक है, जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देयर आर सम बॉयज एंड गर्ल्स इन द रूम, द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज लेस देन द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज बाय 56, इफ देयर वर टू मोर गर्ल्स द नंबर ऑफ बॉयज वुड हैव बीन द सेम एज दैट ऑफ द गर्ल्स, द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द रूम। तो टोटल नंबर्स बताने हैं उनके, इसका आंसर आपका 28 हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 7 है, तो x माइनस 1 बाय x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 2√5, जो कि बी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें थ्री सेट्स ऑफ हिंदी साइंस एंड इंग्लिश बुक्स कंटेनिंग 336, 210 एंड 126 बुक्स respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack remains in the same, find out the total number of stacks, है ना, उनकी जो है हमको नंबर बताना है, टोटल नंबर्स को यहां पर हमको फाइंड करना है। इसका आंसर आपका 18 हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। आप इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर जाइएगा, ठीक है ना। इफ 75% ऑफ एक्स इनकम इज इक्वल टू 60% ऑफ वाइज इनकम, ठीक है ना, मतलब वो जो आप देखिए कि 60 के हिसाब से 75 है ना, तो ये कितना हो गया आपका, एक 100% के हिसाब से देखें तो 60 मतलब तीन पार्ट हो गए उसके, ठीक है ना, और 3.5 पार्ट हो गया आपका क्या, जो आपका 75%। इस तरीके से आप रिलेशन निकालते हैं। देन वाइज इनकम इज इक्वल टू ए परसेंट ऑफ एक्स इनकम, द वैल्यू ऑफ ए इज,
द वैल्यू ऑफ ए इज, उसकी वैल्यू बताना है हमको, तो ये जो होगा आपका 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, जो आपका ए में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है दो ट्रेन है स्टार्ट करती है चलना एक ही टाइम पे फॉर टू स्टेशन ए एंड बी टुवर्ड बी एंड ए रेस्पेक्टिवली। अगर डिस्टेंस जो है बिटवीन ए एंड बी बी इज 480 किलोमीटर एंड देयर स्पीड्स आर 45 एंड 75 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, देन आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर। ठीक है ना, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 240 मिनट्स हो जाएगा, जो कि आपका डी में दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है अ मैन कैन रो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन अ टोटल टाइम ऑफ 8 आवर्स। डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, if the speed of the boat in still water is 4 times the speed of the current, then the speed of the current is, kitni hogi speed wo batana hai, to ye 4 km per hour ho jayega iska answer a। iske baad next question dekhenge, yahan par pucha ja raha hai an exterior angle of a triangle is 105 degree and one of the interior opposite angle is 35 degree, then find out the other angles, aur jo aapke angles hain unko yahan par find karke humko बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 75 डिग्री एंड 65 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा 75 डिग्री और 65 डिग्री, जो आपका डी में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कुलर फील्ड आर सेम इफ द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज 4550 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का हमको क्या बताना है फिर, मतलब जो उसका हमको क्या बताना है, एरिया बताना है हमको। ठीक है ना, स्क्वायर का, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 3575 हो जाएगा, 3575 हो जाएगा, जो कि आपका सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि जो सैफ्लावर है इज अ ऑयल सीड क्रॉप इट्स साइंटिफिक नेम, है ना, तो इसका आपको साइंटिफिक नेम यहां पर बताना है। तो ये आपका कार्थमस टिंक्टोरियस होता है ना, टिंक्टोरियस होता है, जो कि आपका सी में दिया गया है, है ना, सी में दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाइट क्लोथ्स आर कूलर देन ब्लैक क्लोथ्स बिकॉज, तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपके व्हाइट क्लोथ्स है सफेद कपड़े होते हैं काले वस्त्र ठंडक एब्जॉर्ब करते हैं रेज को, ब्लैक क्लोथ्स होते हैं वो जो सन रेज वगैरह आते हैं उनको क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के कारण वो क्या होते हैं गर्म होते हैं, इसलिए गर्मी में हम बोलते हैं कि तो दे रिफ्लेक्ट द होल लाइट। आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो व्हाइट क्लोथ्स होते हैं आपके, ठीक है, वो काले वस्त्रों के कंपैरिजन में ठंडक क्यों, शीतलता क्यों प्रदान करते हैं, तो सीधी सी बात है कि जो ब्लैक क्लोथ्स होंगे वो जो सनरेज आएंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो व्हाइट क्लोथ्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं पूरी की पूरी जो लाइट वेव, जो लाइट आ रही है आपकी, है ना, सूर्य की किरण भी आ रही, विकिरण आ रही है, सोलर जो आपका रेडिएशन होता है, तो उसको वो क्या करेगी रिफ्लेक्ट कर देगी, तो जब रिफ्लेक्ट कर देगी तो वो ठंडक प्रदान करेगी, और ब्लैक जो क्लोथ्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो गर्मी जो है उनको पहनने से महसूस होती है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, जो कि आपका लिखा गया है दे रिफ्लेक्ट द होल लाइट। ठीक है ना, आवाज चली गई थी शायद इसलिए ये दोबारा बताया मैंने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पूछा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर देयर डिस्कवरी एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो ट्रांजिस्टर है आपका, डायोड है, फिर सरफेस माउंटेड डिवाइस है, देन इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो आपका आईसी चिप्स वगैरह है, है ना, जो हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं, है ना। अभी जो आप करंट सिनेरियो में देखेंगे तो क्या है आपका, है ना, आईसी चिप दिखाई दे रहा है, तो सबसे लास्ट में डी आना चाहिए। अब देखिए तीन ऑप्शन में है, और सबसे पहले क्या आना चाहिए, ट्रांजिस्टर आना चाहिए क्या आपका सबसे पहले, तो बिल्कुल ठीक है बी, और जो है आपका, है ना, आईसी है, सरफेस माउंटेड डिवाइस है आपका, आईसी अभी भी यूज कर रहे हैं, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमको पूछा भी जाता है, है ना। तो यहां पर सबसे पहले जो आएगा वो डायोड आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद आपका ट्रांजिस्टर आ जाएगा, उसके बाद आपका आईसी आ जाएगा, और अभी जो है फिर उसके बाद सरफेस माउंटेड डिवाइस आ जाएगा, एसएमडी जो है सबसे लेटेस्ट में है। तो ये आप देख जाइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, मतलब सबसे पहले डायोड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, जब जिनकी डिस्कवरी की गई है ना, खोज के अनुसार बताना है, तो सबसे पहले जो है आपका डायोड है, डायोड फिर देन ट्रांजिस्टर है, देन आपका आईसी है, देन आपका क्या है एसएमडी, जिसको सरफेस माउंटेड डिवाइस बोला जाता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज इज यूज फॉर द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ
डाइवर जो गोताखोर वगैरह है उनसे रिलेटेड। तो ऑक्सीजन और हीलियम है, है ना, अब हल्की होनी चाहिए अगर वो जा रहे हैं तो। खुद ही आप बिल्कुल नॉर्मल सेंस से इस चीज को समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन एंड हीलियम होगा इसका आंसर जो ए में दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, अल्कोहल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ जर्मिनेटेड बार्ले ग्रेन्स इज नोन एज, है ना, तो ये आपका बियर हो जाएगा, इसका आंसर ए है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18th ऑफ अक्टूबर 2020 को इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया है विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल, तो किस मिसाइल का, डेट भी दिया है 18 अक्टूबर 2020। तो ये आपकी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, नेवल वर्जन है उसका, ठीक है, नेवल वर्जन है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है वो पृथ्वी के वायुमंडल में से अनुपस्थित थी, प्राचीन गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका प्रोटोटाइप जो प्रिमिटिव अर्थ है उसका जो आपका प्रोटोटाइप मतलब बिल्कुल आदिम अवस्था में जो आपका वायुमंडल था उसमें कौन सी गैस एब्सेंट थी, तो मीथेन दिया गया है इसमें ए में, यही इसका आंसर हो जाएगा 67 का ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ड्रग यूज किया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए कोरोना पेशेंट्स की, ठीक है, उसको जो मलेरिया के लिए भी यूज होता था आप लोगों को पता है, तो वो किस पेड़ की छाल से जो है उसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, तो सिनकोना है, इसका आंसर आपका सिनकोना होगा, कि किस में दिया गया है, इसमें सी में दिया गया है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पूछा जा रहा है विथ रेफरेंस टू द रेडियो एक्टिविटी रेडियो धर्मिता जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्लैश आर करेक्ट, तो पहला ये रेडियो धर्मिता जो है एक तरीके का न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है प्रिपेयर किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, तो फिजन गलत दिया गया है यहां पर, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नीचे दो आपके assertion और reasoning दिए गए हैं और उस हिसाब से उसको हमको यहाँ पर पिक करना है ना, कि सही है कि गलत है, दोनों सही है कि दोनों गलत है, एक सही एक गलत है, व्याख्या सही है या नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन से रेगुलर आते हैं आप लोगों को पता होगा। तो पहला ये जो लिखा गया, ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइजेज ऑल द विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय, तो ऑल द विटामिन्स लिख के यहाँ पर गलत कर दिया है, तो आपका assertion गलत हो गया। और रीजन जो है यहाँ पर दिया गया, विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बिल्कुल ठीक बात है, तो ए फॉल्स हो जाएगा और आर जो है आपका राइट हो जाएगा, है ना, ट्रू हो जाएगा, और एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं, यहां पर कोई सवाल ही नहीं उठता, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज, है ना, टाइम पीरियड कितना है रोटेशन का जो जियो स्टेशनरी, है ना, आप लोगों को पता होगा, है ना, कितनी ऊंचाई पे होती है ये जो कक्षा है आपकी, है ना, वो बताइएगा जरा आप लोग, तो 12 घंटे है, 24 घंटे, 48 है कि वनडे है, तो वो 24 घंटे ही होता है उसमें, याद रखिएगा 24 आवर्स होता है, और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे पूछा जा रहा है भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो पॉइजनस गैस थी उसका नाम क्या था, तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइट था, है ना, आइसोसाइनेट था ये आपका, है ना, आइसोसाइनाइट बोलते हैं, साइनेट है ये आपका, सी हो जाएगा इसका आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन का जो आपका आइसोटोप नहीं है उसको हमको यहां पर पिक करना है, तो प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है, इट्रियम नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नहीं बताना था, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसे पूछा जा रहा है कि इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ, तो ये जो हरी ज्वाला निकलती है ना पटाखों से, वो किसके कारण होती है, तो ये आपका बेरियम के कारण होता है, किसके कारण, बेरियम के कारण ये आपका होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जो गैसेस के नाम दिए गए हैं ऑप्शंस में वो कौन सी जो है पॉल्यूटिंग गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन लिखा है, मीथेन लिखा है, अमोनिया लिखा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा है, तो नाइट्रोजन नहीं होती, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे पूछा जा रहा है, द स्पीड ऑफ द अर्थ सैटेलाइट इज बेस्ड ऑन विच लॉ, है ना, किस लॉ पे वो बेस्ड होता है, तो ये आपका न्यूटन्स के लॉ पे है, ठीक है ना, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें पूछा जा रहा है कि कांच की एक गोली को पानी में गिरने पर इसका वेग, मतलब जो स्मॉल स्फेरिकल ग्लास बॉल है, फॉल्स इनटू वाटर, इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा, क्या चेंज आएगा उसमें, तो ये आपकी डिक्रीज हो जाएगी, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का रंग जो है किसके द्वारा निर्धारित होता है, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय,
ठीक है ना। तो ये आपका जो वेलोसिटी से भी नहीं होता, डायमेंशन से भी नहीं होता, फ्रीक्वेंसी से भी नहीं होता, नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर, नन ऑफ दीज जो है इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टेक्निक, एक्सरे, माइक्रोवेव, अल्ट्रासाउंड और आपका MRI, है ना। तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, माइक्रोवेव नहीं है, बाकी तो सब टेस्ट वगैरह होते ही है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, माइक्रोवेव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स आर हार्मोन्स, कौन से प्रोटीन जो है आपके हार्मोन है वो बताना है हमको। तो ये कोलेजन नहीं होगा, ट्रिप्सिन भी नहीं होगा, मायोसिन भी नहीं होगा, इंसुलिन है, इंसुलिन, ठीक है ना। इंसुलिन आपने सुना होगा टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज, डायबिटीज के रेफरेंस में ये वर्ड है ना, इंसुलिन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यहां पर लिखा गया है कि हु वॉज द फादर ऑफ कट कॉपी पेस्ट इन कंप्यूटर, कट कॉपी पेस्ट के जो है आपके फादर कौन है कंप्यूटर में, है ना, कंप्यूटर के अंतर्गत जो कंप्यूटर के अंतर्गत विकास हुआ उसके संदर्भ में। तो चार्ल्स बैबेज है, कौन है, चार्ल्स बैबेज है। इनका आंसर जो है आपका वो क्या हो जाएगा, चार्ल्स बैबेज तो कंप्यूटर के आपके फादर बोले जाते हैं, ठीक है ना। और इसके कट पेस्ट कॉपी के अगर पूछा जाए तो क्या है आपके, ये आपके लैरी टेस्लर है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चार्ल्स बैबेज जो है वो कंप्यूटर के जनक बोले जाते हैं, ठीक है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर। और उसके बाद कट कॉपी पेस्ट, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कट कॉपी पेस्ट के फादर की बात करें तो लैरी टेस्लर है, क्या है, लैरी टेस्लर है, लैरी टेस्लर है। क्या नाम है इनका, कट कॉपी पेस्ट के फादर किसको बोला जाता है, तो वो लैरी टेस्लर को बोला जाता है। इसका आंसर आपका डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू टेम्परेचर्स आर द सेम, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड, है ना, जिनका सेम होती है आपकी वैल्यू, टेम्परेचर के रेफरेंस में पूछा जा रहा है ये आपका। तो 00C दिया गया है, 0K दिया केल्विन सेल्सियस फारेनहाइट, ये आपको पता होगा, फिर -320 फारेनहाइट और जो आपका 00F लिखा गया है आपका, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, जो आपका 00C और आपका -320F लिखा हुआ है, है ना। तो ये होगा कि आपका 0K और 00C होगा, आप खुद बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 and C हो जाएगा, 1 and C हो जाएगा, मतलब A और C हो जाएगा, 00C और -320F है ना। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, A and C। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, यहाँ पर क्रोनोलॉजी ऑर्डर में बताना है हमको, ठीक है ना। तो रॉयल कमीशन ऑन लेबर लिखा है ना, सेट करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको, और उसके बाद नेशनल कमीशन ऑन लेबर है, फिर नेशनल कमीशन ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एंड वुमेन इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र, उसके बाद नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका रॉयल कमीशन ऑन लेबर है ये 1931 है, इसके बाद नेशनल कमीशन ऑन जो आपका लेबर है, ये लेबर है आपका 1969 का है, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखेंगे जो नेशनल कमीशन ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एंड वुमेन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो लिखा गया है आपका, ये आपका है 1989 का। उसके बाद जो रूरल लेबर पे जो नेशनल कमीशन की बात कर रहे हैं आपके, है ना, ये आपका नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर, ये 1991 है। इसके बाद आप देखेंगे सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर भी बनता है 2002 में, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर 2008 में आता है। सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर फॉर इंडिया आता है ILO 2013 से। तो अब ये आपका मैंने सारे ईयर्स लिख दिए हैं, आप नॉर्मली इसको लगा दीजिएगा, तो सब क्रोनोलॉजी में ही है। 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू डायरेक्टरेट जनरल लेबर वेलफेयर, ठीक है ना। तो यहां पर जो है हमको कथनों पर विचार करना है और सही कोड को यहां पर हमको बताना है। तो इट इज डीलिंग द मैटर्स कंसर्निंग पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन रिलेटेड टू वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है ना। तो ये देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो डायरेक्टरेट जनरल लेबर जो वेलफेयर है ना, ये लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ये डील करता है जो भी मैटर्स होते हैं आपके कंसर्निंग पॉलिसी लेजिस्लेशन जो भी रिलेटेड है आपके वर्कर्स के, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर के नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से रिलेटेड है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेलफेयर फंड्स फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स थ्रू 17 रीजंस हेडेड बाय वेलफेयर कमिश्नर हु इंप्लीमेंट द वेलफेयर स्कीम्स मेड अंडर द वेलफेयर फंड, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हो गया, ये आपका सोशल जस्टिस हो गया कि नहीं हो गया,
ठीक है ना, इंक्लूजन हो गया उनको भी, हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी तरीके की सोशल सिक्योरिटी ही तो नहीं मिलती, यही तो जो है वहां का क्रिटिक है, तो उसी को एड्रेस करने के लिए ये आपका एक डायमेंशन बनाया है गवर्नमेंट ने। उसके बाद इट एडमिनिस्टर्स वेलफेयर फंड फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स थ्रू 17 रीजन हेडेड बाय लेबर कमिश्नर। तो देखिए यहां पर भी जो है ये कैच है आपका, ठीक है ना। तो ये जो लिखा गया है आपका क्या है, ये आपका कि जो ये आपका वेलफेयर फंड है स्पेसिफाइड कैटेगरीज का वर्कर्स का थ्रू 17 रीजन्स हेडेड बाय वेलफेयर कमिश्नर है ना, लेबर कमिश्नर नहीं, वेलफेयर कमिश्नर, ठीक है, हु इंप्लीमेंट द वेलफेयर स्कीम, वही जो है इंप्लीमेंट करता है वो जो आपकी स्कीम्स होती हैं, कल्याणकारी योजनाएं जो होती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, ठीक है, और सही पूछा है तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईपीएफओ की जो आपकी प्रयास स्कीम जो है उसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला, डिस्ट्रीब्यूटिंग पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स टू द एम्प्लॉइज, बिल्कुल ठीक बात है, पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है, करेक्ट वन को हमको पिक करना है। दूसरा ये, टू रिलीज पेंशन ऑन द डे ऑफ सुपर एनुएशन टू मेंबर्स अंडर द एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1971, यहां पर जो लिखा गया है। तो ये कौन सी आपकी इंप्लॉइज पेंशन स्कीम है, 71 की कि आपकी 1995 की? तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 है ये आपका, ठीक है ना। तो अधिवास के लिए जो आपकी पेंशन वगैरह की बात होती है, सुपर एनुएशन टू मेंबर्स अंडर द एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो एंटरप्राइज जो कैटेगरी होती है उसके तहत किसने डिजिटल प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड अंडर एंटरप्राइज कैटेगरी, ठीक है ना। तो किसने दिया है इस तरीके का अवार्ड जो है आपका, तो ये आपका ईपीएफओ, ठीक है ना, ईपीएफओ कन्फर्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड अंडर एंटरप्राइज कैटेगरी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपका, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वोन गोल्ड अवार्ड फ्रॉम स्कॉच इंडिया फॉर EPFIGMS, ठीक है ना, किसने जो है ये गोल्ड स्कॉच जो अवार्ड है उसके संदर्भ में हमको बताना है किसने जीता है वो आपका, ठीक है। तो ईपीएफओ ने जीता, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचदीप जो प्रोजेक्ट है वो रिलेटेड है किससे, रिलेटेड है आपका पंचदीप जो आपका प्रोजेक्ट है, तो ईएसआईसी से, इससे रिलेटेड है, ईएसआईसी मतलब इंप्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपका ईएसआई एक्ट है 1948 का है, उसके बारे में यहां पर अप्लाइज टू फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फैक्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट इन द इंप्लीमेंटेड एरियाज, है ना, उसको हमको पिक करना है यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला लिखा गया है यहां पर कि नॉन सीजनल जो आपके फैक्ट्रीज होते हैं यूजिंग पावर एंड एम्प्लॉइंग 20 एंड मोर पर्संस की बात कर रहे हैं, यहां 10 और मोर पर्संस की बात है, पहला स्टेटमेंट गलत, 20 लिख दिए। दूसरा, नॉन सीजनल एंड नॉन पावर यूजिंग फैक्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन, तो यहां पर 20 की बात है फिर, है ना, ठीक है। तो नॉन सीजनल एंड नॉन पावर यूजिंग फैक्ट्रीज जो है वहां पर 20, वहां थोड़ी राहत दी गई है, लेकिन जो आपके वैसे हैं वहां पर 10 की बात है, तो दोनों उल्टा लिखा गया, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, और सही पूछा है तो भैया कोई भी सही नहीं है, इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसे पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट देखिए कि बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमको बताना। पहला ये कि मेजोरिटी ऑफ ईएसआईसी हॉस्पिटल्स प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज टू इट्स इंश्योर्ड पीपल ओनली, इंश्योर्ड पीपल ओनली, तो पहला तो ठीक है आपका। दूसरा जो है, सम ईएसआईसी अंडर यूटिलाइज्ड हॉस्पिटल्स लेस देन 60% बेड ऑक्यूपेंसी आर ओपन टू जनरल पब्लिक ऑन नॉमिनल यूजर चार्ज बेसिस, तो दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका वो गलत दिया गया है, ठीक है, यहां ध्यान से देखने की जरूरत है। अभी जो आप देखेंगे कि ये एक तरीके का नया जो है आपका क्या है, यहां पर जो आपका नया जो है आपका क्या है, इनिशिएटिव है आपका, ठीक है ना। तो जो यहां पर हमको क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, इनकरेक्ट हमको बताना है, तो पहला जो लिखा गया है स्टेटमेंट कि मेजॉरिटी ऑफ ईएसआईसी हॉस्पिटल्स प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज टू इट्स इंश्योर्ड पीपल ओनली, ये भी बिल्कुल आपका ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा लिखा गया है कि सम ईएसआईसी अंडर यूटिलाइज्ड हॉस्पिटल्स लेस देन
60% बेड ऑक्यूपेंसी आर ओपन टू जनरल पब्लिक ऑन नॉमिनल यूजर चार्जेज बेसिस, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है। पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, इसलिए क्योंकि गलत पूछा है इसलिए नन ऑफ द अबव हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जो है उसके रेफरेंस में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है। तो पहला ये इट इज इंप्लीमेंटेड किसके बाद है, किसके किसके द्वारा ये आपका क्रियान्वित किया जा रहा है, इंप्लीमेंटेशन इसका किया जा रहा है, तो भैया ये ईएसआईसी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना, जो इंप्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका कि इट ऑफर्स कैश कंपनसेशन टू इंश्योर्ड पर्संस व्हेन दे आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड, ये भी ठीक है। तीसरा जो है पिछले चार योगदान अवधियों के दौरान औसत प्रतिदिन की कमाई का 50% हिस्सा जो है वहां राहत के तौर पे दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम 90 डेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज पेड वंस इन लाइफ टाइम ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, सो यहां पे चारों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो डी हो जाएगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4 सही बताना था हमको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है ना, जो पहला लिखा गया है यहां पर स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए नेशनल करियर जो सर्विस पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और जो आपका देखिए यहां पर ध्यान से देखने की जरूरत है, और यहां पर जो लिखा गया है कि एनीवन, यहां पर जो है यहां पर जो रजिस्ट्रेशन वगैरह की आप प्रोसेस देखेंगे, तो एनीवन कैन सीक सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द एनसीएस पोर्टल थ्रू अ सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है इसमें, सिंपल वहां पर, ठीक है ना। इसमें एज का जो प्रावधान है 14 ईयर्स एंड अबव है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर किसी भी तरीके की मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, जबकि यहां पर दूसरे स्टेटमेंट में लिखते हैं कि नेशनल करियर सर्विस पोर्टल ऑफ रिक्वायर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, तो यहां पर किसी भी तरीके की मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। तो अगर यहां पर हमको सही बताना है तो दोनों के दोनों जो आपके स्टेटमेंट है वो तो आपके गलत हो गए, ठीक है ना, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, क्योंकि ये अंडर मिनिस्ट्री कौन सी आएगी, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आएगी, है ना, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है करियर से। तो उसके बाद जो है दूसरा जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, नन ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि करेक्ट पूछा था, ठीक है ना, तो नन हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर भी स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है। पहला ये कि जो सीपीआई है ना, सीपीआई इंडेक्स जो होता है, नंबर्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई आईडब्ल्यू की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। मेजर द रेट ऑफ चेंज इन prices of a fixed basket of goods and services consumed by the working class population are compiled and maintained by NSO, जो National Statistical Office है, ठीक है ना, पहला जो लिखा गया है यहां पर। तो हमको सही बताना है, तो पहला आपको क्या लग रहा है स्टेटमेंट देखे, देखिए खुद भी समझ में आ जाएगा, वैसे ये सब इंपॉर्टेंट डोमेन है आपका इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, है ना, जो यहां पर पहला स्टेटमेंट लिखा गया वो आपका गलत है। दूसरा ये जो न्यू बेस ईयर है आपका सीपीआई जो आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए है, ये 2021 बता रहे हैं आपके, है ना, ये भी जो है आपका गलत है, 2020 बता रहे हैं, ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो यहां पर 2001 था, है ना, लेबर ब्यूरो कंपाइल्ड एंड रिलीज्ड, लेबर ब्यूरो करता है कंपाइल्ड और रिलीज क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स है जो आपके इंडस्ट्रियल वर्कर से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा पहली चीज तो, ठीक है। अब यहां पर क्या किया गया है, ठीक है, इसमें जो बेस था आपका 2001 में, है ना, 2001, ठीक है, अब वहां पर क्या किया गया जनवरी में 2006 से अगस्त 2020 द इंडेक्स ऑन न्यू बेस जो है आपका 2016 है, क्या है, न्यू बेस जो है आपका इंडेक्स में 2016 है, है ना, और ये भी रिलीज किया गया आपका सितंबर 2020 में लेबर ब्यूरो के द्वारा, लेबर ब्यूरो के द्वारा 2016-2020 में इसको जो है रिलीज किया गया है, ठीक है। तो ये एनएसओ के कारण गलत हो गया, ये इसके कारण गलत हो गया, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, इसका आपका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम ब्यूरो को कौन निम्नलिखित अखिल भारतीय सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है उसको हमको बताना है। लेबर ब्यूरो हैज बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग द फॉलोइंग ऑल इंडिया सर्वेस, ठीक है। तो जो पहला लिखा गया है यहां पर ऑल इंडिया सर्वे ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, बिल्कुल ठीक है, सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स, ये भी ठीक है,
ऑल इंडिया सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल्स, और उसके बाद ऑल इंडिया सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द नॉन फॉर्मल ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सारे के सारे आएंगे। इसका आंसर आपका सी 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पर लोकेटेड है, है ना, कहां पर जो है वो लोकेटेड है। तो ये आप देखेंगे कि ये जो है आपका एक तो भारत सरकार का ये स्वायत्त निकाय है, कहां पर है, नोएडा में है। ठीक है ना, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, नोएडा। ठीक है, सेटअप किया गया था जुलाई 1974 को, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है, उसको आइडेंटिफाई करना है हमको। ठीक है, तो ऑल एसेट्स ऑफ अ फर्म विच आर टैंजिबल और इंटेंजिबल, भैया कोई दिखाई देता है जिसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, कोई कोई जो एसेट होती है उसको दिखाई नहीं, छू नहीं सकते उसको, देख नहीं सकते उसको, है ना, जो आपकी बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड होती है, फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट्स, पहला ठीक है। दूसरा पर्सनल अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज एटसेट्रा। उसके बाद अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। तो यहां पर जो देखिए आप तीनों देखिए, यहां पर तीनों स्टेटमेंट जो है आपके बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो आपका डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर पूछा जा रहा है द फाइनल रिजल्ट ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट्स इज आइदर प्रॉफिट और लॉस, विच इज देन ट्रांसफर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक्स, किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये आपका किसमें किया जाता है बताइए। देखिए एक तो आपका नॉमिनल होगा अकाउंट, है ना, एक आपका कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है, तो अब जब ये इसकी बात कर रहे हैं अपन, आइदर प्रॉफिट और लॉस, तो वो आपका किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो कहां पर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से जो एग्जाम्पल है नीचे दिए गए ऑप्शन में, पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल कौन से हैं, है ना, वो बताना है हमको। तो डेब्टर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग अमाउंट और प्रीपेड अकाउंट, तो सारे के सारे हैं यहां पर, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो आपका ए में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, है ना, पर्सनल अकाउंट के हमको टाइप यहां पर क्या है बताना है हमको। ठीक है ना, पर्सनल अकाउंट के टाइप बताना है। तो यहां पर आप देखेंगे नेचुरल, आर्टिफिशियल और नॉमिनल नहीं होगा आपका, और रिप्रेजेंटेटिव, तो 1, 2 और 4 हो जाएगा, जो आपका सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को हमको क्या करना है, यहां पर फाइंड करना है इनकरेक्ट को। तो पहला ये, जर्नल इज अ बुक ऑफ अकाउंटिंग वे डेली रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज दैट इन द ऑर्डर ऑफ डेट्स, है ना। तो जो पहला स्टेटमेंट है वही आपका गलत है, क्योंकि आप देखेंगे इनकरेक्ट को बताना है। जर्नल जो एक एक तरीके की बुक है अकाउंटिंग की, वे डेली रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस, है ना, डेली रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द ऑर्डर ऑफ डेट्स, इन द ऑर्डर ऑफ डेट्स। तो पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, जर्नल को सही डिफाइन कर रहा है, और हमको करना क्या है यहां पर, फाइंड इनकरेक्ट, है ना, तो ये सही है आपका। दूसरा जो है लेजर की बात कर रहे हैं, अब अगर आप लेजर को देखेंगे तो लेजर क्या होता है, लेजर एक अकाउंटिंग बुक है, उसमें क्या करते हैं अपन, विच ऑल इन विच ऑल सिमिलर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स आर मेंटेन्ड इन अ समराइज्ड फॉर्म में, वहां पर मेंटेन किया जाता है। वही यहां पर लिखा गया है कि लेजर जो है इज एन अकाउंटिंग बुक इन विच ऑल सिमिलर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स आर मेंटेन्ड इन अ समराइज्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो ये जो है आपका, इसमें जो प्रोसीजर होती है रिकॉर्डिंग की इन अ लेजर, उसको किस नाम से जाना जाता है, पोस्टिंग के नाम से, वो भी इंपॉर्टेंट है ना, ये सब डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है सही है, और पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो कोई भी यहां पर इनकरेक्ट नहीं है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों जो है आपके करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में जो मानव अधिकारों के संरक्षण से संदर्भित एक्ट था हमारा, उसमें जो संशोधन किया गया है 2019 का, उसमें निम्नलिखित उसके संदर्भ में, उसके रेफरेंस में निम्नलिखित जो आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें हमको बताना है कौन सा करेक्ट है आपका स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो पहला यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है, जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें, वो प्रोवाइड करता है कि चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी, बिल्कुल ठीक है पहला। दूसरा ये, द न्यू एक्ट इंपोजेज अ लिमिट ऑफ
5 years of tenure in case of reappointment of members of the commission. तो ये 5 years की बात नहीं, 3 years की बात की गई है. अब वहां पर 3 years और 70 years का जो है वहां पर प्रावधान किया गया है. अब ये नया है. तो ये दूसरा जो है स्टेटमेंट ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर गलत हो जाएगा. तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे. The new act provides to confer upon state commissions the functions relating to human rights being discharged by the UT, है ना, United Territories. तो 1 and 3 जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है. इसका आंसर आपका सी हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. तो पहला जो लिखा गया है इसमें, इट इज अ पार्ट ऑफ डायरार्की सिस्टम इन इंडियन स्टेट. तो ये बाइकैमरल सिस्टम है, ना कि डायरार्की. डायरार्की, डायरार्की का मतलब ये होता है कि मतलब द्वैत सिद्धांत, जो आप देखते हैं 1919 वाले एक्ट से, है ना, जो प्रोविंसेस में, फिर प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी आती 1935 से. तो ये सब चीजें हैं डायरार्की जो है, है ना, शक्ति के दो केंद्र. और ये बाइकैमरल बोला जाता है इसको, द्विसदनीय प्रणाली बोला जाता है ना. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है. दूसरा, ये स्टेट असेंबली has to pass a resolution for the creation of the council by special majority. बिल्कुल ठीक बात है. अगर परिषद वगैरह का निर्माण करना है तो special majority से वहां पर. तो only second statement is right. इसका answer आपका B हो जाएगा. इसके बाद next question देखेंगे. इसमें भारतीय संविधान के बारे में statement दिए गए हैं, बताना है कौन सा correct statement है. ऊपर वाले में भी हमको correct ही choose करना था, ये देख जाइएगा आप लोग. और अब यहां पर जो right to property है उसके बारे में बताया जा रहा है. तो पहला statement है ये, right to property is a constitutional right. तो बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्यों, पहले ये फंडामेंटल राइट्स में था, फिर सोशलिज्म के जो हमारे अपने वैल्यूज हैं उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आने लगता है. तो 78 में 44th अमेंडमेंट से इसको क्या बना दिया जाता है, एक तरीके से विधिक अधिकार, मतलब आर्टिकल 300A में डाल दिया जाता है, है ना. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोला जाएगा. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. दूसरा ये कि फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है भैया, इसको हटा दिया गया वहां से, है ना. तो उसके बाद जो है संपत्ति का अधिकार जो लिख रहे हैं ये सपोर्टेड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, एडवर्स पोजीशन से रिलेटेड नहीं है. दूसरा और तीसरा गलत है. ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. इसका आंसर आपका सी, ओनली वन हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेफरेंस टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है. तो जो पहला स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट बताना हमको, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट स्टेट कैन नॉट रेगुलेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इन नेशनल इंटरेस्ट, जो पहला लिखा गया है. तो भैया यहां पर बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि स्टेट कैन रेगुलेट, स्टेट रेगुलेट कर सकता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में. तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, नॉट लिखा है जबकि कर सकता है. दूसरा, ये आर्टिकल्स रिलेटेड टू माइनॉरिटी educational institutions are given in DPSP of state policy, जो DPSP लिखा है, directive principle, नीति निदेशक तत्व of state policy of Indian constitution. तो बिल्कुल गलत है. article 29 और 30 किससे related है बताइए, उसमें 30 में बात की गई है ये article 30 के अंतर्गत. तो दूसरा statement भी गलत है. both statements are wrong. और सही पूछा जा रहा था तो none of the above, कोई नहीं होगा, D में दिया गया है जो. इसके बाद next question है, संविधान की जो आपकी छठी अनुसूची, 5th और 6th, very important, ठीक है ना. ट्राइबल एरियाज का जो आपका क्षेत्र है वहां पर प्रशासन से संदर्भित है. फिफ्थ जो आप शेड्यूल देखेंगे उसमें मैक्सिमम पैसा वाले एरियाज हैं, और सिक्स्थ आप देखेंगे ये चर्चा में हमेशा रहता है, ठीक है. तो इसके बारे में हमको बताना है स्टेटमेंट देखे कि कौन सा आपका ट्रू है स्टेटमेंट. तो पहला जो स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज आफ्टर सेटिंग अप ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल. ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, तो देखिए यहां पर जो है डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल की बात की गई है. छठवा जो आपका शेड्यूल है, अनुसूची है, वो प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए, ट्राइबल एरियाज आफ्टर सेटिंग अप ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस यही तो स्वायत्त परिषद की बात करते हैं. तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल की बात करते हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल नहीं है वो. तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. दूसरा, ये इट कंटेन्स ए स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जबकि 4 की बात है उसमें, बताइए कौन तो. असम, मेघालय, असम हो गया आपका, मेघालय हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया आपका, और मिजोरम हो गया आपका, ठीक है ना. तो 4 की बात है, 5 लिख दिया. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. और सही पूछ रहे हैं तो भैया कोई भी सही नहीं है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा. इसका आंसर जो डी में दिया गया है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इसमें यह बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव अ
स्टेट वाटर पॉलिसी। भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जो बन गया है अभी हाल में ही, पहला राज्य कौन बना है जिसने राज्य जल नीति जो है वो बनाया है, है ना, है तो उसको बनाया है उसका फ्रेमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, मेघालय, याद रखिएगा इसका आंसर आपका मेघालय है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंश्योर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है एंड टू हैव इट्स ओन स्टेट वाटर पॉलिसी इज मेघालय, मेघालय, ठीक है। तो इसका आंसर आपका मेघालय हो जाएगा। जो वाटर पॉलिसी, स्टेट वाटर पॉलिसी जिसके पास है वो कौन सा राज्य है, पहला राज्य ही बना मेघालय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि जो आपके सीनियर एडवोकेट्स होते हैं उनके बारे में यहां पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो ट्रू है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है, दे आर डेजिग्नेटेड इन सुप्रीम कोर्ट बट नॉट इन हाई कोर्ट, यही गलत हो गया यहां पर, ठीक है ना। दीज आर एडवोकेट्स हु आर डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट्स, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कर सकता है और एनी हाई कोर्ट भी कर सकता है, ऐसे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट वाले ही सिर्फ जो होंगे वो आपके कैसे वरिष्ठ वाले जो आपके एडवोकेट हैं जिनको डेजिग्नेशन दिया जाएगा कि सीनियर एडवोकेट्स है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देगा, नहीं, हाई कोर्ट भी दे सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट कैन डेजिग्नेट एनी एडवोकेट इवन विदाउट हिज कंसेंट एज सीनियर एडवोकेट। अब बताइए कैसे हो सकता है, अगर उस व्यक्ति की ही कंसेंट नहीं होगी तो उसको कैसे बना पाएगा, है ना। तो विद हिज कंसेंट होता है, ये विद हिज कंसेंट होता है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, और सही को बताना था तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट, उसको हमको पिक करना। पहला ये, आनंदी गोपाल जोशी जो है वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ऑब्टेन अ डिग्री इन वेस्टर्न मेडिसिन, क्या, वेस्टर्न मेडिसिन जो पहला लिखा गया है यहां पर, बिल्कुल ठीक है, है ना, इंपॉर्टेंट है ये नेम आपका। तो दूसरा, कादंबरी गांगुली जो है अर्न्ड अ मेडिकल डिग्री आफ्टर आनंदी गोपाल जोशी इन द सेम ईयर, ये भी ठीक है आपका दूसरा जो स्टेटमेंट है। इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है, कादंबरी गांगुली वॉज वन ऑफ द सिक्स फीमेल डेलीगेट्स टू द फिफ्थ सेशन ऑफ द INC, तो इन्होंने, ये पहली महिला के रूप में जानी जाती है जिन्होंने कांग्रेस में जो है वहां पर क्या किया था, मतलब भारतीय ग्रेजुएट में से एक थी जिन्होंने वहां पर अपना भाषण वगैरह दिया था। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका आंसर आपका 1, 2, 3 ऑल हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आपका कंसीडर करना है यहां पर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। तो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट लिखा गया है, द मूवमेंट अरोज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रीइंग द गुरुद्वारास फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ करप्ट हिंदू महंस लिख दिया गया है यहां पर, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत है, ठीक है ना। जो ये मूवमेंट था इसका ऑब्जेक्टिव था फ्री करना जो भ्रष्ट आपके महंत थे, है ना, उदासी सिख महंत, नॉट द हिंदू महंस, है ना। तो जो आपके सिख महंत थे उनके, जो भ्रष्ट सिख महंत थे उनसे जो है मुक्ति दिलाना था, वहां पर भ्रष्टाचार को खत्म करना था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहले को एलिमिनेट कर दीजिए तो वैसे भी आंसर मिल जाएगा आपको सेकंड एंड थर्ड ओनली। और दूसरा जो है, अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा जो आपका क्या है, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है एक्सेप्टेड कंप्लीट नॉन वायलेंस एज देयर बिलीफ, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि महात्मा गांधी कॉल्ड द डिलीवरेंस ऑफ कीज ऑफ गोल्डन टेंपल्स जो है आपके, है ना, तोशखाना टू SGPC बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज द फर्स्ट बैटल वोन फॉर इंडियाज फ्रीडम, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड जो है आपका सही है, आंसर हमने पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन था उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कि कौन सा ट्रू है आपका स्टेटमेंट। तो पहला ये कि वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट ओइंग टू अपोजिशन बाय द कम्युनिस्ट, है ना। इसमें क्या करना है हमको, नॉट करेक्ट को बताना है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है आपका वो क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि वर्किंग क्लास डिड पार्टिसिपेट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट इवन आफ्टर अपोजिशन बाय द कम्युनिस्ट, तो भी इन्होंने वहां पर पार्टिसिपेट किया था, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, इन्होंने डिड नॉट लिख दिया इसलिए, है ना। तो क्या है आपका, पहला जो है इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है ना, किया था उन्होंने पार्टिसिपेट और इनकरेक्ट ही बताना है, तो पहला हो गया आपका गलत। दूसरा ये, दीवान जो आपके चमन लाल बिकेम द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920, ये ठीक है आपका। और लास्ट वन जो है, मोस्ट ऑफ द नेशनलिस्ट न्यूज पेपर
एक्टिवली अपोज द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 एंड 1891। हाँ, तो ये आपके कॉलोनियल एरा के हैं, तो इसमें शोषण के आयाम बहुत सारे थे, इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। सेकंड और थर्ड सही है, इनकरेक्ट बताना है, इसलिए केवल पहला ही आपका इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर आपका वन ओनली हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये, इट वॉज बेस्ड ऑन द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान, बताइए कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है आपका संविधान सभा से रिलेटेड होगी कि इससे रिलेटेड होगी। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया आपका, सही बताना है हमको, पहले को एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ब्रिटिश क्राउन की, वुड लैप्स ऑन 15th of August 1947। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है हमारे यहां। तो दूसरा आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा ये, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वॉज एबॉलिश्ड। बिल्कुल किया जाएगा, बताइए आया कहां से था ये ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। 1858 से आया था कि बिल्कुल 1773 से चल रहा था, कब से चल रहा था बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, वो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर नॉट सेड बाय गंगाधर तिलक जी, जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट ऑफ इंडिया। पहला, इफ अ गॉड वर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल। बिल्कुल ठीक बात है जो है यहां पर जो लिखा गया है, इसमें सही बताना है यहां पर। अब देखिए यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो लिखा गया है यहां पर कि करेक्ट आंसर बताना है हमको, ठीक है ना। तो पहला जो है ये इस मूवमेंट के दौरान तो उन्होंने यूज नहीं किया था, ठीक है ना, तो ये जो है आपका पहला स्टेटमेंट गलत है ना, होम रूल के बारे में बात करें इसलिए। दूसरा ये, ही हु डज व्हाट इज बेनिफिशियल टू द पीपल्स ऑफ द कंट्री बी या क्या मोहम्मदान और एन इंग्लिशमैन इज नॉट एलियन। वह करता है जो इस देश के लोगों के लिए फायदेमंद है, एक मोहम्मदान या अंग्रेज हो विदेशी नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों जो है ये नहीं कहा था, पूछा था, नहीं कहा था, पूछा है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, यहां पर नॉट सेड पूछा जा रहा है, ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट नहीं कहा था, तो दोनों कहे थे भैया, है ना, नहीं कहा था, दोनों कहे थे, इन्होंने ये भी बात कही थी, ये भी कहा था, है ना, होम रूल लीग मूवमेंट जो है एनी बेसेंट और इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो है आपके दोनों के दोनों जो है स्टेटमेंट उन्होंने बोला था, और पूछ रहे हैं कि नहीं कहा था बताइए, तो नाइदर वन नॉट टू, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन इसीलिए यहां पर फ्रेम किए गए, इसका आंसर आपका डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें बताना है कि जवाहरलाल नेहरू हेडेड वेरियस कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ही वॉज नॉट हेड ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कमिटीज। तो किसकी किसकी जो नीचे कौन कौन सी कमेटियों के नाम दिए गए हैं जिनके, उन्हें बताना है कौन कौन से में वो प्रमुख नहीं थे। तो पहला लिखा है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, इसके थे। दूसरा यूनियन पावर्स कमेटी, इसके भी थे। तीसरा कमेटीज ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी, इसके नहीं थे, बताइए इसके कौन थे, आप ध्यान से बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है आपकी, ठीक है ना, और इसी से फिर फंडामेंटल राइट्स वगैरह निकल के आते हैं, ठीक है ना, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके बाद जो है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो थर्ड एंड फोर्थ के नहीं थे, फर्स्ट एंड सेकंड के थे, इसका आंसर आपका थ्री एंड फोर हो जाएगा, नहीं पूछा है इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो अगस्त प्रस्ताव है आपका, है ना, 1940, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं दिया गया था, उसमें कौन से जो थे प्रोविजंस नहीं थे। नहीं वर्ड यूज किया जा रहा है, जहां पर भी नहीं लग जाए उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बनते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, है ना, इसलिए जरूरी है नहीं लिखा गया। पहला लिखा गया है यहां पर सेटिंग अप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर वेयर द इंडियन ऑनली वर्ड लग गया, वुड डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसेप्शन। यही गलत है, यही तो आपका फेल होगा। देखिए अगस्त है, क्रिप्स है, ये सब देखेंगे आप, इसके प्रावधान के अंतर्गत ये मान नहीं रहते, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, नॉट ऑफर्ड पूछा गया है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, नॉट ऑफर्ड पूछा गया है, ठीक है, तो पहला ठीक है। दूसरा ये, विद द एक्सेप्शन ऑफ द गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ ऑल मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स वर टू बी इंडियंस, तो ऐसा नहीं है, तो नहीं था जो शामिल, नहीं पूछ रहे हैं, प्रस्ताव नहीं गया था, तो दोनों जो है आपके, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है, 114 का सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ इकॉनमी, ठीक है, जो जैगरी इंडस्ट्री है, गुड़ उद्योग की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका, देखिए कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के
तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हैं, तृतीयक क्षेत्र से संदर्भित है। तो प्राथमिक का मतलब आप एग्रीकल्चर और एलाइड इंडस्ट्री ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो आपका तृतीयक पूछ रहे हैं तो सर्विस सेक्टर हो गया आपका, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जैगरी इंडस्ट्री लिख गया, इंडस्ट्री लिख गया सेकेंडरी सेक्टर, सैमसंग नोएडा मोबाइल प्लांट सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्री तो सबके सब सेकेंडरी सेक्टर है यहां पर, है ना। तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा यहां पर, गुड़ से कंफ्यूज नहीं होना हमको जैगरी से। तो 115 का डी हो जाएगा, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इसलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा आपका ट्रू है। तो जी यार ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशो होता है इसमें टोटल एनरोलमेंट लिया गया लिया जाता है इन अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ एज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द एलिजिबल ऑफिशियल स्कूल एज पॉपुलेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेम लेवल ऑफ एजुकेशन इन अ गिवन स्कूल ईयर, जो पहला लिखा गया है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि जो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है कैन नॉट बी हायर देन 100%, तो 100% के ऊपर कैसे होगा। तो ये जो है आपका दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है, और ग्रॉस एनरोलमेंट जो आपका रेशियो है वो हायर एजुकेशन के लिए जब कैलकुलेट किया जाता है तो 18 से 23 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के लिए लिया जाता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, इसमें पूछा जा रहा था कि कौन सा सही है, तो जो आपके दोनों स्टेटमेंट है यहां पर वो आपके दोनों के दोनों आपके ट्रू है, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बोथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ना, नरेगा जो है आपका, तो महात्मा गांधी जो मनरेगा है आपका वॉज ब्रॉट टू टैकल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, कृषि के अंतर्गत सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, क्योंकि जब फसल नहीं होगी तो भैया फसल पक गई कट गई, अब नेक्स्ट फसल के लिए टाइम चाहिए वहां पर नहीं है, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, तो उसी को एड्रेस करने के लिए इसको लाया गया था, है ना। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है। दूसरा ये टू रिड्यूस डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हैज टू बी प्रमोटेड, अर्थव्यवस्था के प्रच्छन्न बेरोजगारी को कम करने के लिए माध्यमिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है आपका वो क्या है, छुपी हुई, डिस्कस्ड। जैसे मान लीजिए एक फार्म है और एक कृषिगत क्षेत्र है, वहां पर दो लोगों की जरूरत है लेकिन पूरी फैमिली के 6 लोग लगे हुए, तो 4 लोगों का जो आपका श्रम है वो वहां पर कैसा हो गया, वो बेरोजगार की श्रेणी में आ गया, क्योंकि उतनी जो है उनकी सीमांत जो आपकी उत्पादकता है वहां पर शून्य हो जाती है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी आपका ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, जो बोथ यहां पर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये है कि इफ इंटरमीडियरीज आर रिमूव्ड बिटवीन फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स देन फार्मर्स विल ऑलवेज अर्न मोर प्रॉफिट, जो पहला लिखा गया है ना, ऑलवेज लगा दिया गया यहां पर। देखिए पहली चीज तो ऑलवेज लगा दिया गया मतलब पंक्चुएशन है, इसलिए गलत है, बाकी अगर बिचौलिए को हटाया जाएगा तो किसान को फायदा तो होगा लेकिन हमेशा अधिक लाभ अर्जित करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑल वाला जो आपका यहां पर लिखा गया है ऑलवेज इसलिए गलत है, ठीक है ना। तो पहला आपका स्टेटमेंट गलत है। दूसरा ये कि इफ इंटरमीडियरीज आर रिमूव्ड बिटवीन फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स देयर कैन बी रिडक्शन इन सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो आपका सही बताना था तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, ए में दिया गया है ओनली टू, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपैक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्या क्या प्रभाव है बेरोजगारी के वो बताना। ह्यूमन रिसोर्स टर्न्स इनटू लायबिलिटी, मानव संसाधन जो है आपका किसमें चेंज हो जाता है, दायित्व में बदल जाता है, ठीक है ना। अब देखिए एक बात बताइए, ह्यूमन रिसोर्स जो है इज नॉट एबल टू फाइंड प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, अगर मानव संसाधन वो बन चुके हैं और उनको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, है ना, उनकी एबिलिटी के हिसाब से क्षमता के अनुरूप अगर जॉब नहीं मिल रही है ना, तो वो जो है अब कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे फिर नेशनल इनकम में, तो नेशनल कैपिटल सोशल कैपिटल ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो उसमें वो कन्वर्ट नहीं होंगे, तो मानव संसाधन जो है बेरोजगारी के कारण फिर वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ग्रोथ इन स्टार्टअप्स विथ गवर्नमेंट सपोर्ट, ठीक है ना, ग्रोथ इन स्टार्टअप्स विथ गवर्नमेंट सपोर्ट। दूसरा जो है स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है एक एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है कि जॉब सीकर्स जो है जॉब क्रिएटर्स मध्य, भैया हमारे यहां क्या है एक तरीके की आप देखिए तो फ्यूडल मेंटालिटी है, अगर 100 पोस्ट निकलेंगी गवर्नमेंट की तो उसके लिए लाखों लोग, क्योंकि एक चीज बन गई है कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी है ना, तो वो उस के कारण क्या हो रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है इतनी ज्यादा जॉब्स कभी नहीं पैदा कर सकती, सृजन कर सकती उसका कि सारे लोगों को जॉब दे दे। बिल्कुल ये ट्रू है,
है ना, ये बिल्कुल ट्रू है, अटल सत्य है ये आपका, है ना। तो कहते हैं कि जॉब सीकर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक आदमी बनेगा कलेक्टर तो एक ही तो बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक आदमी कोई बिजनेस करता है, कोई स्टार्टअप डालता है, तो वो 10 20 50 लोगों को और जॉब देता है, इसलिए जॉब सीकर्स की जगह जॉब क्रिएटर्स की बात की गई। तो ये भी आपका एग्जांपल होगा, ये भी आपका सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है, इंक्रीज इन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है ना। तो ठीक है, तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है यहाँ पर वो बिल्कुल ठीक है। अनएम्प्लॉयड पीपल जो है ट्राई करते हैं परस्यू करने के लिए एजुकेशन रादर देन सिटिंग आइडल, तो ये बिल्कुल ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ठीक है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स, ठीक है ना, फिक्स्ड कैपिटल इन टर्म्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जनरेटर है, टर्बाइन्स है, रॉ मटेरियल्स है और मनी है। तो क्या मनी आपका आना चाहिए फिक्स कैपिटल में, खुद बताइए, रॉ मटेरियल्स जो है आपका वो आना चाहिए क्या फिक्स कैपिटल में, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, स्थिर पूंजी फिक्स कैपिटल की बात करें, जनरेटर्स है, टर्बाइन्स है, ये मशीनरी वगैरह इसमें आती है, तो इसका आंसर आपका वन एंड टू ओनली हो जाएगा, जो कि आपका सी में दिया गया है। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।